हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है इवोल्यूशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है कि नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है 360 नंबर का जो है आता है ये बायोलॉजी से क्वेश्चंस, और हर चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे अमाउंट में आते हैं। तो ये जो है जितना आपका तैयार रहेगा उतना ही अच्छा होगा। और जैसे कि अभी मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराने वाले, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 सही होने चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम में अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो है इवोल्यूशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है उसको हम कैसे और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन ए है स्पेसिएशन थ्रू द टेम्पोरल आइसोलेशन, ऑप्शन बी है स्पेसिएशन थ्रू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ऑप्शन सी है स्पेसिएशन थ्रू द डिफिकल्ट थ्रू आर्टिफिशियल आइसोलेशन, और डी है स्पेसिएशन थ्रू बिहेवियोरल आइसोलेशन। तो एलोपैट्रिक जो स्पेसिएशन होता है वो जो है स्पीसीज एक ही होती है, लेकिन जो है उनके जियोग्राफिकल एरिया में बैरियर आने की वजह से वो जो है दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज को हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्पेसिएशन थ्रू द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू बायोलॉजिस्ट कंसीडर ए रैंडम चेंज। कौन से इवेंट को जो है बायोलॉजिस्ट जो है रैंडम चेंज के नाम से कंसीडर करते हैं? ऑप्शन ए है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ऑप्शन बी है स्पेसिएशन, ऑप्शन सी है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, और ऑप्शन डी है जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू बायोलॉजिस्ट कंसीडर ए रैंडम चेंज? ऑप्शन ए है डायरेक्शनल, ऑप्शन बी है स्पेसिएशन, ऑप्शन सी है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ऑप्शन डी है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑप्शन वन मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन इन विच एलील फ्रीक्वेंसी इन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। ए है इवोल्यूशन, बी है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और डी है नेचुरल सिलेक्शन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय बैरियर्स सच एज रिवर माउंटेन और बॉडीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन बाई बैरियर सच एज रिवर माउंटेन और बॉडीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है टेम्पोरल आइसोलेशन, ऑप्शन बी है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सी है बिहेवियरल आइसोलेशन, और डी है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन द मेंबर ऑफ स्पीसीज। दे आर टेम्पोररली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर
ऑप्शन बी है दे आर डेमोग्राफिकली आइसोलेटेड, ऑप्शन सी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक ही स्पीसीज के मेंबर कौन होते हैं, मतलब किसको हम एक ही स्पीसीज के मेंबर कह सकते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें, उसी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एग्जांपल ऑफ, जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म होता है वो किसका एग्जांपल है। ऑप्शन ए है नियो डार्विनिज्म, ऑप्शन बी है म्यूटेशन, ऑप्शन सी है नेचुरल सेलेक्शन, और ऑप्शन डी है नियो लैमार्किज्म। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है वो एग्जांपल है नेचुरल सेलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट प्रिमिटिव पीरियड इज, तो जैसे कि हम जानते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ और अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ को जो है आसानी से पढ़ने के लिए इपॉक, एरा, इपॉक और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो मेन जो एरा होते हैं वो पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक होते हैं, और इन सबको जो है कि पीरियड्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला तो यहाँ पे मोस्ट प्रिमिटिव पीरियड पूछ रहा है, तो पेलियोजोइक एरा जो होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव एरा है, प्रो ठीक है एंसेंट, सबसे एंसेंट एरा है। तो उसमें ये जो एराज हैं इनको जब हम पीरियड में डिवाइड करते हैं तो शुरू से जब हम शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहला कैम्ब्रियन है, उसके बाद अर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन आता है, उसके बाद जो है डिवोनियन आता है, उसके बाद जो है परमियन आता है, उसके बाद ट्रायसिक आता है, उसके बाद जुरैसिक पीरियड आता है, उसके बाद कार्बोनिफेरस आता है। तो इस तरह से पीरियड्स को जो है हमें याद करना पड़ता है एक क्रम में, मतलब कि एक निश्चित क्रम में याद करना होता है। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि मोस्ट प्रिमिटिव पीरियड कौन सा है, तो मोस्ट प्रिमिटिव जो है यहाँ पे चार ऑप्शन है, कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी है अर्डोविशन, ऑप्शन सी है सिल्यूरियन, ऑप्शन डी है डिवोनियन। तो कैम्ब्रियन सबसे मोस्ट प्रिमिटिव हो जाएगा, कैम्ब्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कौन से पीरियड को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी है अर्डोविशन, ऑप्शन सी है सिल्यूरियन, ऑप्शन डी है डिवोनियन। तो कौन से पीरियड को जो है एज ऑफ ट्राइलोबाइट कहते हैं, कौन से पीरियड में ट्राइलोबाइट्स पाए जाते हैं। ट्राइलोबाइट्स जो है एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं और इनकी बॉडी जो है दो फरों से पे जो है डार्सली दो फरों होते हैं और ये जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और वो तीन बाइट की तरह लगते हैं, इसलिए उनको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। और यह जो है कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा थे या कौन से पीरियड को ट्राइलोबाइट का पीरियड या फिर एज कहते हैं, पहला कैम्ब्रियन, बी है अर्डोविशन, सी है सिल्यूरियन, डी है डिवोनियन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैम्ब्रियन जो है इसको एज ऑफ ट्राइलोबाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एज ऑफ फिशेज, किसको हम एज ऑफ फिशेज कहते हैं। ए है डिवोनियन, बी है ट्रायसिक, सी है परमियन, डी है जुरैसिक। तो जो है कि डेविल फिश, फिश जो है डेविल फिश एक फिश है, इसके नाम पे हम याद कर सकते हैं कि जो एज ऑफ फिशेज होती है, जो डिवोनियन पीरियड होता है उसको हम एज ऑफ फिशेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, डिवोनियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट ह्यूमन स्पीसीज इज, तो देखिए जैसे कि हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ते हैं और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पढ़ते हैं, फिर उसमें है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब लाइफ की ओरिजिन हुई तो छोटे ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए और वहाँ से बड़े ऑर्गेनिज्म तक बने, और जानते हैं कि ह्यूमन बींग जो होता है वो भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग। तो जब ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन के फॉर्म या ह्यूमन स्पीसीज में जो थे सबसे पुराने वो कौन से हैं, तो यहाँ पे चार जो है ऑप्शन दिए हैं। पहला है ड्रायोपिथेकस, बी है रामापिथेकस, सी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और डी है हैंडीमैन। तो यहाँ पे जो है ड्रायोपिथेकस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रायोपिथेकस, क्योंकि ये जो है सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन स्पीसीज है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।